मुख्य जी की आरू पर एक बार फिर हुआ जानलेवा हमला। एक नए नए विलन की एंट्री हुई है कहानी में और मुखी जी की आरू को कुएं में कूदने के लिए उसने मजबूर कर दिया है। आधी रात के अंधेरे में आरू इस कुएं के पास आई किसी को खोजते हुए और हो गया उस पर हमला। मुझे एक चिट्ठी आई जिसमें ऐसे लिखा था कि वो अंशुल जीजू हैं और मैं उन्हें तलाशती हुई आई हूँ यहाँ ताकि मैं अपनी दी के बारे में कुछ जान सकूँ कि वो ठीक है नहीं है। और मुझे इस कुएं के पास ही वो दिख गए शख्स। मगर मुखी जी के रहते भला आरू को क्या हो सकता है और आज मुखी को अपनी बकरी ने इस कुएं के पास आने के लिए मजबूर किया है। और यहाँ आते ही मुखी को अंदाजा आ गया कि आरू की जान खतरे में है तो वो भी कूद पड़े कुएं में। छम्मो इज ऑस्कर अवार्ड विनर। छम्मो में बहुत ठहराव है। छम्मो की आंखें बोलती हैं। छम्मो इज आल्सो रानी एंड आई वी आर गोइंग। थैंक यू। ये सीन कितना फिल्मी है मगर इस सीन की शूटिंग में भी फिल्मी ट्विस्ट आ गया। इस सीन की शूटिंग देर रात को हो रही थी जिसे रोकने के लिए यूनियन वाले आ गए क्योंकि मुंबई में 12 घंटों के शिफ्ट के बाद शूटिंग करने की मंजूरी नहीं है। इसने मुझे बोला कि यूनियन वाले आए हैं क्योंकि ये लोग शिफ्ट एक्सटेंड करके से शूटिंग करते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।